प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के सभी तीर्थस्थलों और मंदिरों में 14 से 22 जनवरी तक साफ सफाई के लिए मंदिर तीर्थ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में स्वच्छता तीर्थ अभियान में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर मंदिर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए ओपी यादव की खास रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लल्ला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में मंदिर तीर्थ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ नई दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित श्री वाल्मीकि मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। केंद्रीय मंत्री को श्री वाल्मीकि मंदिर के महामंडलेश्वर श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी महाराज ने पूजा अर्चना करवाई। दर्शन के पश्चात केंद्रीय मंत्री ने मंदिर परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया और स्वच्छाग्रही बनकर श्रमदान किया। इस दौरान मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस चाहे जितनी भी राजनीति कर ले, लेकिन उनको आना प्रभु श्री राम की ही शरण में पड़ेगा। कि जितनी मर्जी राजनीति कर ले, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। श्री राम जी के आगे शीश तो इनको झुकाना ही पड़ेगा। चाहे भगवान राम को जितना भी काल्पनिक बता दें, चाहे जितना भी राम मंदिर का विरोध कर लें, राम सेतु को भी काल्पनिक बता दें और तरह तरह के बयान करके हिंदुओं को अपमानित भी करें, सनातन धर्म को कुचलने की बात भी करें, आना राम जी की शरण में ही पड़ेगा सबको। इस अवसर पर श्री वाल्मीकि मंदिर के महामंडलेश्वर श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से देश भर में मंदिर और तीर्थ स्थलों की साफ सफाई का अभियान चल रहा है। केंद्रीय मंत्री के यहाँ आकर साफ सफाई करने से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने संदेश देने का प्रयास किया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता के विषय में सजग रहे। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह करेगा तभी देश स्वच्छ रहेगा, तभी हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, तभी हम जी पाएंगे। स्वाभाविक है कि आज केंद्रीय मंत्री यहाँ आए तो लोगों को संदेश तो जाता ही है कि जब मंत्री ऐसे स्वच्छ सफाई कर सकते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को क्यों नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर स्वच्छाग्रहियों से मिले और उनकी कुशल क्षेम जानी। स्वच्छता अभियान के वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को श्री वाल्मीकि मंदिर के महामंडलेश्वर श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी महाराज ने शुभाशीष देते हुए महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति भी भेंट की और कहा कि लगभग 500 सालों बाद प्रभु श्री राम लल्ला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को श्री राम लल्ला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर एक बार फिर से देश भर में दीपावली मनाई जाएगी। जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ गई है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक सप्ताह पहले देश के मंदिरों और धार्मिक स्थलों की साफ सफाई करने का आह्वान किया था और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर में न केवल साफ सफाई की बल्कि लोगों से मुलाकात कर स्वच्छाग्रहियों का मनोबल भी बढ़ाया। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए एक ओर जहां मंदिरों की साफ सफाई के प्रति लोगों का नजरिया बदला है, वहीं दूसरी ओर मंदिरों का जीर्णोद्धार होने से मंदिरों की और तीर्थस्थलों की रौनक भी लौटी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन SP दुबे के साथ मोपी यादव, DD News दिल्ली।